दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में नीम का पाउडर हम घर में कैसे बना सकते हैं, इसके अलावा नीम के पाउडर के कौन कौन से ऐसे अद्भुत फ़ायदे हैं जिनको हम घर बैठे ही उठा सकते हैं। दोस्तों, इनके फ़ायदों को जान के आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि नीम के पाउडर के से हम कितनी सारी चीज़ों को, बीमारियों को, अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, नीम की पत्तियाँ हर जगह पर बहुत आसानी से मिल जाती हैं। अगर आपके यहाँ नहीं मिलती तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। नीम का पाउडर बना बनाया मिलता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। सबसे पहली बीमारी जो एक्जिमा के नाम से जानते हैं, एक्जिमा पुरानी त्वचा की बीमारी होती है जो स्किन की एपिडर्मल परत यानी सबसे ऊपरी परत को पूरी तरह से खराब कर देता है। खुजली, दाग, धब्बे ऐसे पड़ जाते हैं। तो आपको करना क्या है, आप जो आपने बनाया है इस पाउडर को आप एक पेस्ट फॉर्म में चेंज कर लीजिए और जहाँ पे भी एक्जिमा की शिकायत है वहाँ पे आप इसको मलहम की तरह लगाइए उस पेस्ट को। दोस्तों, अगर आप इन्हें इसे 15 से 20 दिन लगातार इस पेस्ट को लगा लिया तो आपकी एक्जिमा की शिकायत दूर हो जाती है। आप चाहें तो नीम के पाउडर को नारियल के तेल में पका सकते हैं। पकाने के बाद तेल को छान लीजिए और उस तेल को नियमित रूप से सुबह शाम लगाया करिए। एक्जिमा कैसी भी हो, कितनी पुरानी हो, जड़ से ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों सोराइसिस। सोराइसिस एक पुरानी त्वचा की स्थिति होती है जिसमें कोशिकाओं के अतिरिक्त विकास के कारण जो हमारी चमड़ी होती है उसमें इतनी ज़्यादा खुजली और लाली हो जाती है जिसकी वजह से इंसान बहुत परेशान हो जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बीमारी होती है सोराइसिस। इसमें नीम का पाउडर कैसे इफ़ेक्ट डाल सकता है, आपको कैसे यूज़ करना, एक चम्मच नीम का पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार ले सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा ये जो पाउडर है इसको पानी में घोल लीजिए और इस पेस्ट को जहाँ भी सोराइसिस समस्या उस पर आप दिन में 2 से 3 बार लगाया करिए, सोराइसिस की समस्या ठीक हो जाती है। नेक्स्ट है एथलीट फुट। एथलीट फुट पैर की एक आम बीमारी होती है जो त्वचा की बीमारी होती है। इसमें ये संक्रामक बीमारी हो जाती है, शरीर के अन्य भागों में भी फैल सकती है। एथलीट फुट का जो इलाज होता है आपको कैसे करना है, नीम का पाउडर है उसे पेस्ट फॉर्म में चेंज कर लीजिए यानी थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट जैसा बना लीजिए और उसको आप त्वचा पे जलन को ये तुरंत ही शांत करता है, एथलीट की बीमारी को दूर करता है। इसे कैसे उपयोग करना है, नीम का पाउडर ले लीजिए और आप उसे पानी में घोल लीजिए और प्रभावित जगह पर उसे लगाइए और इसे दिन में कम से कम 2 से 3 बार लगाया करिए जिससे आपको इससे बेस्ट रिजल्ट मिल सके। है दोस्तों, नीम का पाउडर टूथपेस्ट की तरह कैसे काम कर सकता है, अगर आपके दांतों में कैसी भी बीमारियां, मसूड़ों की बीमारियां हों, दांतों में पानी लगता है, मसूड़ में सूजन है, पायरिया की समस्या है या आपके दांतों में मसूड़ों से खून आती है, सांसों में बदबू आती है, तो आपको क्या करना है, जो पेस्ट नॉर्मली आप करते हैं उसमें बस ये 2 चुटकी नीम का पाउडर बना डाल लीजिए और उस पेस्ट को नॉर्मली जैसे करते हैं दिन में 2 बार जरूर किया करिए, दांतों की हर तरह की समस्या ठीक हो जाती है। नेक्स्ट है मुहासों के लिए, अगर आप मुहासों से, झाइयों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपकी स्किन ऑयली है, तो आप क्या करिए, इससे आप नीम को जो होता है, नीम में एंटीसेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीफंगल, एंटीवायरल और बहुत सारे ऐसे एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं जो मुहासों को, फुंसियों के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो नीम का पाउडर आपको लेना, उसमें थोड़ा सा दही ऐड करके एक पेस्ट बना लीजिए, उसको अपने फेस पे लगाइए मुहासों दानों के लिए। आप देखेंगे मुहासों दाने तो ठीक हो ही जाएंगे और चेहरे पर बहुत बढ़िया सा ग्लो आ जाता है, रिंकल्स भी ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट उपचार होता है सिर में अगर आपके जुएँ हों तो नीम के पाउडर को पानी में घोलिए और पानी, जिस पानी से नहाते हैं 2 चम्मच नीम का पाउडर डालिए, उस पानी से अपने बालों को धुल के देखिए। दोस्तों, बाल के जूं तो ख़त्म ही हो जाएंगे, साथ साथ डैंड्रफ की समस्या भी ठीक हो जाती है और बाल आपके बहुत मजबूत हो जाते हैं, झड़ते हुए बाल भी जो झड़ने लगते हैं, बालों की समस्या भी दूर हो जाएगी, बाल आपके मजबूत हो जाएंगे, रेशम मुलायम हो जाते हैं अगर आप नीम के पाउडर को पानी में घोल के उस पानी से बाल को अपने धुलते हैं। दोस्तों, तो शैम्पू करने से पहले आप नीम के पाउडर से पानी बना लीजिए, उससे अपने बालों को अच्छे से एक बार धुल लीजिए, 5 से 10 मिनट बालों को ऐसे ही बांध के रखिए, उसके बाद आप शैम्पू कर लीजिए, फिर आप देखिए आपके बालों की समस्या कैसे जड़ से ख़त्म हो जाती है। देखिए हम कैसे इस पाउडर को बना रहे हैं, नीम की जो पत्तियाँ होती है सबसे पहले तो पाउडर बनाना, इसे खाने में, लगाने में यूज़ करना है, तो आप इसे क्या करिए, 7 से 8 घंटे के लिए पहले पत्तियों को भिगा दीजिए जिससे इसके ऊपर जो मिट्टी वगैरह धूल उल हो सब निकल जाए, इसे फिर उसे अच्छे से पोंछ के उसे थोड़ा सा पंखे के नीचे रख दीजिए, सूख जाए हल्का सा, फिर आप इन पत्तियों को सेपरेट कर लीजिए। देखिए किस तरह से सारे पत्तियों को निकाल ले रहे हैं, निकालने के बाद आपको इसे ऐसे ही घर में, आपको ऐसे ही बर्तन में, बड़े से बर्तन में उसे
उसे खुला ऐसे ही छोड़ दीजिए, रूम टेम्परेचर पे ही इसे आपको सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है, कमरे के अंदर इसे सुखाना है, पंखे के नीचे आप रख दीजिए, आराम से सूख जाए। या गर्मियों का सीजन है आप ऐसे भी छोड़ देंगे 2 दिन के लिए तो पत्तियाँ अच्छे से क्रिस्पी हो जाती हैं, जब ये सूख जाएंगी तब आपको इसका पाउडर बनाना बताएंगे। इस पाउडर को बना के आपने देखा दोस्तों, स्किन के लिए तो कितना बढ़िया सा उपचार है, साथ साथ ये कई सारी बीमारियों के लिए भी हमारे लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इसीलिए आयुर्वेद में ये जो नीम होता है ना, इसे औषधि नहीं महा औषधि का रूप दिया गया है। ये कई सारी बीमारियों के लिए यूज़ किया जाता है, आंतरिक बीमारी हो हमारे शरीर के अंदर, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में शेयर किया कि कितनी सारी बीमारियों को दूर कर सकता है, तो ऐसी बीमारियों के लिए नीम के पत्ता बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो देखिए यहाँ पर हम ये जो पत्तियाँ हम बना रहे हैं पाउडर ना, यहाँ पर हम 2 से 3 कप के करीबी पत्तियाँ लिए हैं। आप इसे ज़्यादा मात्रा में स्टोर करके बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही इसी क्वान्टिटी में इसे पत्तियों को ज़्यादा आप स्टोर करिए और इसे सुखाइए, उसके बाद आप इसका पाउडर बना के रखिए। ये पाउडर आप कई सारी बीमारियों के लिए, त्वचा के लिए, बालों के लिए, चेहरों के लिए, या फिर कैसे भी फंगल इन्फेक्शन हो गए हैं, सोराइसिस है, जैसे मैंने बताया, ये सारी बीमारियों के लिए बहुत ही बढ़िया सा उपचार है, आप उन्हें इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो पत्तियों को देखिए पूरा तैयार कर लिए, अब हम इसे रख देते हैं और 2 दिन के बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसका पाउडर आप कैसे बना के तैयार कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको इंस्टेंटली बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, कढ़ाई में इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर दीजिए, तब भी पत्तियाँ अच्छे से सूख जाती हैं, उसके बाद भी आप इसका पाउडर बना के तैयार कर सकते हैं। या फिर जैसे हमने रखा है पत्तियों को सूखने के लिए नॉर्मली रूम पे, आप उसी तरह से रूम में रख दीजिए तब सूख जाए। या फिर जैसे हमने कहा, अगर आपको जल्दी ही बनाने की तुरंत आपको इंस्टेंट पाउडर की ज़रूरत है तो आप इस तरह से कढ़ाई में हल्के हल्के आँच पे इसे भूनिएगा, इसे जलने बिल्कुल नहीं दीजिएगा, बस अलट पलट दीजिए कि ये हल्का सा क्रिस्पी हो जाए, कि पाउडर फ्लेम में आसानी से चेंज हो जाए। अब चलिए हम आपको पाउडर बनाना बताते हैं। तो देखिए पत्तियाँ अच्छे से सूख गई हैं, आप देख रहे हैं बिल्कुल से सूखी हुई पत्तियाँ हैं, अब इनको पीसना बहुत आसान है। तो चलिए इसको हम पाउडर बना लेते हैं, साथ साथ हम आपको बताते हैं कि ये जो होता है फंगस के लिए हम इसे कैसे उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर शरीर में कहीं भी उंगलियों में ऐसा होता है, कहीं कहीं उंगलियों में खुजलाहट होने लगती है, वहाँ पर पानी पड़े रहने से फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पर सड़न हो जाती है, तो आप उस पत्तियों को कैसे इलाज कर सकते हैं। पत्तियों को आप जैसे अपने पाउडर बना रहे हैं, इसे पाउडर बना के रख लीजिए और 1 चम्मच पाउडर को पानी में घोल लीजिए, और वहाँ पे इन्फेक्टिव एरिया पे अगर लगाते हैं तो कैसे भी फंगस की परेशानी हो तो वो दूर हो जाती है दोस्तों। तो ये आप फंगस के लिए भी आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। कहीं आपको रिंग वर्म हो गया है, दाद, खाज, खुजली हो गई है, गर्मियों का सीज़न है, इतनी ज़्यादा गर्मियों में रैसेस पड़ने लगते हैं गर्मियों की वजह से, तो आप क्या करिए, जब नहाते हैं तो उसी में 2 चम्मच ये नीम का पाउडर डाल दीजिए, उस पानी से नहाइए, उसके बाद आप सिंपल पानी से एक बार नहा लीजिए, जैसे कि जो पत्तियों के छोटे मोटे जो कड़ पड़े रहते हैं वो भी साफ़ हो जाए। आप दोस्तों रोज़ ऐसे नीम की पानी इस पाउडर को डाल के पानी में नहाना स्टार्ट करिए, आपके शरीर में किसी भी तरह की फंगल इन्फेक्शन नहीं होने पाएंगे, स्किन आपका बिल्कुल हमेशा फ्रेश रहेगा, उसके जो टिश्यूज़ हैं बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। ये देखिए पाउडर कैसे बन के तैयार हो गया, ये 3 कप था, तो देखिए कितना थोड़ा सा बन के तैयार हुआ है। पत्तियाँ ड्राई होने के बाद और भी कम हो जाती हैं, पहले जब हरी रहती हैं तो ज़्यादा दिखती हैं, लेकिन सूख जाती हैं तो कम हो जाती हैं, और पीसने पर और भी कम हो जाती हैं। तो इसे हम थोड़ी सी मात्रा में आपको बना के दिखा पाए हैं, आप इसे ज़्यादा मात्रा में बना के किसी भी डिब्बे में कंटेन करके रखिए, जिसे महीनों आपका चले, और आप इस तरह से पाउडर को बनाएंगे, जैसे हमने बताया है कि रूम टेम्परेचर पे अगर इसे आप सुखा के बनाते हैं तो 1 साल तक आप इसे रखेंगे, कभी भी ये पाउडर जल्दी ख़राब नहीं होगा। नीम का पाउडर आप इसे बस एयर टाइट कंटेनर में आप रखिएगा, इसे लंबे टाइम तक आप इसके उपयोग कर सकते हैं, इनके फ़ायदों को उठा सकते हैं दोस्तों। किसी भी तरह का जैसे हमने बताया है चर्म रोग के लिए तो राम बाण है, अगर आपके शरीर में खून में आपके किसी भी तरह की गंदगी हो गई है जिसकी वजह से आपके खून से संबंधित बीमारियां हैं, जैसे सोराइसिस है, एक्जिमा है, दाग धब्बे, मुहासे, रिंकल्स, ऐसी समस्या आपको हो रही है जो कि ब्लड के अनप्योर होने की वजह से बीमारियां होती हैं, तो उसके लिए आप क्या करिए, 1/2 चम्मच ये नीम का पाउडर सुबह सुबह आप खाली पेट खाना स्टार्ट करिए और इसे 15 दिन खाइए। खून में कैसी भी गंदगी होती है खून की गंदगी को साफ कर देता है, और खून की गंदगी की वजह से आपके शरीर में जो बीमारियां होती हैं उन सारी बीमारियों को ये दूर कर देता है। बहुत ही बढ़िया सा चीज़ होता है नीम का पाउडर। तो आप इस तरह से होममेड नीम पाउडर बनाइए घर में, ये बिल्कुल नेचुरल होता है, इसमें किसी भी तरह की मिक्सिंग नहीं होती है, कोई भी इसमें प्रिजर्वेशन नहीं पड़ा होता है, तो प्योर इस तरह से आप नीम पाउडर घर में बना सकते हैं और इसे आसानी से बना के इसे साल भर तक स्टोर करके रखिए और इनके फ़ायदों को उठाइए। दोस्तों
आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। कोई नई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए ज़रूर बना के लेके आएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।